श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद दादा गुरुजी भगवान की जय। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए आप सभी स्नेही जनों को पूर्वत तो खूब खूब साधुवाद। सनातन धर्म की ओर अग्रसर बढ़ रहे सभी प्रत्येक बागेश्वर धाम के पागलों को और समूचे भारत के साथ साथ अनेक अनेक देशों में बैठे हुए सनातनी परंपरा का आवाहन करने वाले व सनातनी परंपरा का सहयोग करने वालों को खूब खूब बागेश्वर बालाजी की पीठ से साधुवाद। हमारा भारत प्राचीन परंपराओं से भरा पड़ा है। आपके मन में भाव आ रहा होगा कि हम हैं कहाँ, तो वर्तमान में हम यात्रा पर हैं और यत्र तत्र साधु संत ऋषि मुनियों की जो तपोस्थली है और यज्ञ बागेश्वर धाम पर जो 13 फरवरी से होने वाला है, उस यज्ञ में आमंत्रण देने के लिए हम अभी उत्तराखंड क्षेत्र में हैं, जहां हम पूज्य स्वामी जी अनेक महापुरुषों को आमंत्रण दे रहे हैं और साथ ही साथ ऋषियों की परंपरा जो ये साधना स्थली है, तपोस्थली है, जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता है और विश्वगुरु है और भारत विश्वगुरु है, इसलिए भारत विश्वगुरु कहलाता है। हमारा भारत, भारतीय सनातनीय परंपरा गूढ़ रहस्यों से, खजानों से भरी पड़ी। प्राचीन परंपराओं पर आपेक्ष लगाना, प्राचीन पद्धतियों पर जो हमारी संतों ऋषियों मुनियों की यात्रा है उन पर उंगली उठाना एक छोटी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत प्रेम पूर्वक हम निवेदन करें कि अब वर्तमान में सनातनीय हिंदू साधु संत एकत्रित हैं। अब आगे अगर आप सनातन धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर और सनातन के साधकों के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत सनातनी राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हम किसी भी धर्म पंथ के खिलाफ नहीं। सर्वधर्म समन्वय, राम राज्य की स्थापना जिसमें सबकी, सर्वधर्म समन्वय हो जिसमें सबकी भावनाओं की कत्र हो और सबके साथ सबका विकास, राष्ट्र का हित हो। हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना या हमारा उद्देश्य आपको अपने चमत्कार में आकर्षित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारी ऋषियों की परंपराओं के बारे में आपको बताना है कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा अपनी परंपराओं से क्या आपको कहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ये हमारे वैदिक मंत्र, देखो एक होती आयुर्वेदीय चिकित्सा, एक होती मंत्र चिकित्सा, हम मंत्र चिकित्सा के माध्यम से आपको अपनी ऋषियों की परंपराओं का अवगत करा रहे हैं, भारतीय संतों को हम अवगत करा रहे हैं, भारतीय संतों की ताकत, और उसका परिणाम यह है कि आज समूचा संत समाज और समूचे सनातनी हिंदू एक है। इसी क्रम में हम आमंत्रण देने लिए निकले हैं तो कई लोगों के मन में कौतुक आ गया कि गुरु जी कहाँ हैं, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, क्यों चले गए, ये क्या पागलपन है, हम कोई राजनेता नहीं है या हर बात को हम अपने संतों के पास अपने, हम अपना कार्य कर रहे हैं। लोगों के मन में कि हम क्या करने वाले हैं, हम कोई राजनेता नहीं है, ना हमें राजनीति करनी है, ना हमें न्यूज़ पर लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये सब करना है, ना हमें बहुत ज़्यादा सफाई देनी है, ना हमें बहुत ज़्यादा किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हम अपने संतों को, भारतीय सनातनीय संस्कृति को, सनातनी हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हमें किसी धर्म से, पंथ से बुराई नहीं, सबके प्रति हमारा आदर, सबके प्रति हमारा स्नेह, सबके प्रति हमारी सद्भावना है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम के चरित्र को निर्माण हमारा सनातन धर्म करता है। आज उसी क्रम में सब लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि गुरु जी कहाँ हैं। हम मीडिया में बनने लायक नहीं बने, हमारा उद्देश्य दूसरा है, हमारा उद्देश्य सनातन का है, हमारा उद्देश्य सनातनी हिंदुओं को एक करने का है। हमने ये कहा कि अगर हम सब हिंदू एक हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो इसमें कोई धर्म, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना बोल